अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पानी का जल संकट गहराता जा रहा है। आज पीएम को नुनिया मोहाल के सैकड़ों लोगों ने दरखास्त देकर के मांग की कि उनको पानी की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाए। लगभग 3 महीने से उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और पानी अगर आ भी रही है तो गंदा मटमैला आ रहा है। इसके लिए उन्होंने जल संस्थान को भी दरखास्त दी है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहाँ से आए? नुनिया मोहाल से। क्या समस्या लेके आए? 3-4 महीने से पानी नहीं आ रहा, परेशानी है। ठंडों का नान नान बच्चे हैं हमारे घर, 10-15 जने घर में, ना लाइट भी आती ना पानी भी आती, परेशान है। बताइए, नल नहीं आ रहा, 4 महीना हो गए, एक बूंद नहीं आ और ना रात भर लाल का ना देना क्या और बता। लड़का बिटिया बिल्कुल तबीयत खराब, कहाँ से पैसा पाए, ना मजूरी ना दतूरी। बड़ी बदतमीजी से बात होती है, 3 महीने से एक बूंद पानी नहीं आ रहा और ऐसी जगह में मोहल्ला है कि जहाँ 100 मीटर के अंदर में कोई ट्रैक्टर ट्राली से कोई पानी नहीं जाता, एक ही सप्लाई है सिर्फ पानी की, वो भी 3 महीने से बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। जगह जगह पानी भर के लाते हैं, कुआं भी बिल्कुल उसमें मिट्टी निकलने लग गई है, कीचड़ निकल रहा है कुएं में। आपने शिकायत की इसकी कहीं पर? शिकायत कई बार कंप्लेंट करी है, मतलब कंप्लेंट किसको दे, तारे लगे रहते हैं, किसके पास जाएं? पर डे एप्लीकेशन जाती है पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उनका सीधा सा कहना है पानी नहीं है, अब पानी नहीं है, लाइट नहीं है, ये समस्या जल संस्थान की है। उनका सिर्फ खाना पूर्ति होती है कि पैसा नहीं आ रहा है, बिल नहीं आते हैं, पानी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। रतनलाल जी हैं उधर के अधिकारी, वो 1 महीने से छुट्टियों पे चल रहा है, उनका कोई अधिकारियों का कोई फेवर नहीं है कि किसी अधिकारी को भेजे वहाँ पे निरीक्षण करवाए, पानी की कोई समस्या करवाए, कोई मतलब नहीं। वो अपने हॉलीडे में मस्त हैं, चौधरी जी हैं उनसे, वो अपने बाहर रहते हैं, बाहर का निरीक्षण करते रहते हैं। अधिकारियों के पास जाओ, जल संस्थान में जाओ, वहाँ ताले लटके मिले रहते हैं और आश्वासन रहता है बस। हाँ मैडम, ये सुबह जिसमें घड़ी तोड़ी गए उसमें मैं नहीं था, बुरागढ़ में टेंडर कौन ने कार्रवाई थी, मैं वहाँ पर चला गया था। तो उन्होंने जैसे डीएम साहब के निर्देश मिले थे बाद से भी किया था। तो अभी हम कंचनपुर से स्टार्ट किए, कंचनपुर नुनिया मोहाल कटरा वहाँ का भी फोटो लिया है, तो हम ये पाए हैं कि वहाँ जो कनेक्शन टूटी नहीं लगी है, लावारिस कनेक्शन चल रहे हैं। अभी जल निगम ने अमृत मिशन के अंतर्गत जो कनेक्शन दे दिए हैं बिना केवल आधार कार्ड के, एक घर में 2-2, 3-3 कनेक्शन अब बंच बना के छोड़ दिया है, जिनमें भी टूटी नहीं लगी है। सबसे बड़ा कारण यही कि इस समय गर्मियों में पानी न होते हुए कनेक्शन दे देना, तो ये हुई। तो वहाँ लोग आए हैं तो उनको मतलब साइट इंस्पेक्शन भी कर लिया है, हम लोग क्षेत्र में जा भी रहे हैं, जहाँ नहीं वहाँ टैंकर से पानी भिजवा रहे हैं।